पराग लाहौरी, ये बिल्कुल मियाँ जी नासर चने के बिल्कुल साथ ही ये पॉइंट है और ये भी बड़ा जबरदस्त है। इनका नाश्ता भी बड़ा मशहूर है, तो ये इनका नाश्ता भी करेंगे तो बताएंगे कि इनका नाश्ता कैसा है। तो इनकी जितनी भी वैरायटी उस बारे में आपको बताते हैं पराग लाहौरी चने वाले के पास। पाए मिलते हैं, बड़े पाए होते हैं इनके पास और साथ में इनके पास चने भी होते हैं। ये चने का सेटअप है, ठीक है जी। चने भी बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, साथ में इन्होंने कोफ्ते भी रखे हुए, अंडा भी डाला हुआ है। और इसके अलावा भजन क्या है? छोटे पाए। आपके पास छोटे पाए भी हैं? छोटे पाए भी। भाई जी नाश्ता कर रहे हैं। भाई जी नाश्ता कैसा लगता है? नंदन बेहतरीन। पहले भी नाश्ता करना आंदे हो या आज ही आए हो? पहले भी आंदे हो? इतों के रहने वाले हो? हाँ जी। ये बराग लाहौरी के ऊपर हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ के ऊपर ना ये गोजरा के अंदर। तो यहाँ जी साहब जो नाश्ता लेने आए तो इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे तो नाश्ता करनी लेकिन घर के लिए लेने आए, तो उनको नाश्ता इनको कैसा लगता है? जी भाई जी नाश्ता कैसा है इनका? बहुत जबरदस्त नाश्ता इनका। हम यह गोजरा की सबसे पुरानी शॉप है ये, तो हम शुरू से यहाँ से ही आते होते हैं। मतलब वीकेंड अच्छी लगती है आपको? सारा कुछ ही अच्छा है, मतलब चने भी हैं, कोफ्ते भी हैं और साथ में पाए हैं इनके। एवरीथिंग इज ऑल राइट जी। तो आज पर क्या लेने आए हैं भैया? आज हम लेने आए हैं पाए लेने आए और साथ में चने लेने और कोफ्ते भी। कोफ्ते भी लेने आए और ये बच्चा भी साथ में आया है, ये बेटा मेरा, इसको भी अच्छा लगता है। बोलो क्या नाम क्या आपका? मुश्तबा। क्या नाम है? मुश्तबा। मुश्तबा, अच्छा मुश्तबा नाम। तो आपको क्या चीज अच्छी लगती है इनकी बताओ? तो तत्ता लगता है। चने अच्छे लगते हैं। चने अच्छे लगते हैं। लगाए जी माशाल्लाह से। ये देखिए ये एक प्याला जो हमारे लिए भी लगा है। ये लो जी, ये जबरदस्त जी हमारा प्याला जो है वो रेडी होने लगा है। ये देखिए तरी भी डाल दी इसके ऊपर उन्होंने, बड़ा जबरदस्त पाया जना सर, प्याला रेडी हो गया। ये ऊपर इनका जो मसाला है वो डाल दिया उन्होंने। जी नाजिन नाश्ता जो है ऑलरेडी हमारे पास आ गया है। ये देखिए जी माशाल्लाह से, ये इनके बकरे के पाए हैं और बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, बड़ी अच्छी गार्निशिंग करके दी है और इनका टेंडर लेवल भी जो है ना, ये देखिए जी, ये देखें जबरदस्त, ये बता रहा है कि डेफिनेटली कोई चीज है इसके अंदर ना। ये देखें बड़े आराम से टूटते जा रहे हैं, ये देखें बहुत ही जबरदस्त ऊपर गार्निशिंग की हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने ही जो रोगन उसके अंदर पके हुए हैं, रोगन जितना उसके ऊपर आया हुआ है ये पक पक के जो उसके ऊपर, ना ही इन्होंने घी डाला हुआ, ये बता रहे थे ना हम घी डालते हैं ना प्याज डालते हैं, ये अपने ही रोगन में पकते हैं और बड़े जबरदस्त है। ये देखिए जी बड़ी अच्छी जबरदस्त इनकी लग रहा है, उसके ऊपर गार्निशिंग की हुई है, धनिया वगैरह डाला हुआ है और खुशबू भी जहां तक आ रही है बड़ी जबरदस्त लग रही है। तो साथ में ये दे दिए हैं इन्होंने हमें बीफ पाए, और बीफ पाए भी सेम ही है माशाल्लाह से, वही चीज लग रही है, देखने में बड़े जबरदस्त है, टेंडर लेवल भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें जी, ये देखें, ये सिर्फ देखें, ये बोटी, ये देखें, ये देखें आराम से ये टूट गई है, बहुत ही जबरदस्त है, बड़े मक्खन की तरह घुलने वाली बोटियां नजर आ रही है इसके अंदर। तो बड़ा मजेदार सा नाश्ता मेरे पास पड़ा हुआ है, तो चलें फिर हम ट्राई करते हैं। इसके साथ उन्होंने दिए हमें ये नान, और नान भी बड़ा जबरदस्त बड़े अच्छे लेवल का लग रहा है, और इसके साथ ये रायता। रायता ना अभी भी हम थोड़ी देर पहले नाश्ता कर रहे थे, वहां भी बड़ा सेम वही स्टाइल है, वही चीज है। ये माशाल्लाह इसके अंदर खीर वगैरह डाले हैं, कैबेज डाली हुई है, वो सारा मिक्स होकर बड़ा जबरदस्त लगता है। ये एक प्रॉपर एक अच्छा दिखे रायता बना देते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं, हम इनका चेक करेंगे इनके जो है ना ये बकरे के पाए, देसी नाश्ते में बकरे के पाए का। ये देखें जी नान, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये हम बाइट लेते हैं। ये भी आपको दिखा रहे थे ये चीजें, ये देखें आप, ये बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, ये
तो अभी हम इसके साथ इसकी इसको ऐसे ही चेक करेंगे क्योंकि ये बाइट के अंदर तो आएंगे नहीं, इसके साथ हड्डी होती है। ये देखिए बेहतरीन मक्खन की तरह मुंह में घुल गया है, बहुत ही आला। और साथ में ये लेंगे इसकी एक बाइट, इस ये देखिए शोरबे के साथ बहुत आनंद, बहुत ही मजेदार टेस्ट है। बिल्कुल लाइट से मसाले हैं, बिल्कुल उसका जो रोगन है वो उसके अंदर गया हुआ है, उसका लहदा से मजा आ रहा है, उसका रोमा लहदा से टेस्ट दे रहा है, बहुत ही आला बहुत ही मजेदार है। ये शोरबा चेक करें सर, ये इनका शोरबा चेक करें, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही आला बहुत ही आला। ये इनके बीफ पाए हैं, ये देखें जी बीफ पाए, मैं आपको पहले दिखा रहा था, ये देखें जी, ये देखें ये जबरदस्त, ये देखें बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुलने वाले, बोटी जो है अभी जो है ना माशाल्लाह से अभी ऐसी घुलती जा रही है, ये देखें। तो बिस्की बाइट भी देंगे, बहुत आला, इसका भी सेम वही चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त पके हुए हैं, बिल्कुल लाइट सा टेस्ट है, और अरोमा की वजह से जो पक पक के इसके अंदर आया उसके साथ मिलके बहुत ज़बरदस्त टेस्ट दे रहे हैं, बहुत ही आला और बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए आप शोरबा भी प्रॉपर गाढ़ा है, मैं तो शोरबे के साथ ही खाऊंगा, बहुत आ बहुत ही मजेदार। ये भी मेहंदी मल्ले के पास उसी चौक में मिलते हैं जहाँ मियाँ जी नासर चले हैं, मस्जिद हनफी के बिल्कुल सामने मेन चौक है, वहाँ पे आए और गोजरा में जरूर आए और यहाँ पे आकर जरूर इनके जो है ना जी। नाजिन अभी नाश्ता कर रहे थे हम बराक लाहौरी से मोर चने के ऊपर, यहाँ के ऊपर हमने इनके ट्राई किए हैं बीफ पाए और जो है बकरे के पाए, दोनों बहुत ही लाजवाब थे। स्पेशली मुझे इनका बीफ पाया बहुत ज़बरदस्त लगा, दोनों चीज़ें जो है वो अपने ही उनके अंदर पकी हुई थी माशाल्लाह से, कोई पानी एक्स्ट्रा नहीं, मतलब इनके पानी के अंदर ही पकी हुई थी, जो इनका अपना ही जूस था, पक पक के जनाब रोगन इनके अंदर निकला हुआ था, बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी थी। मैंने कहा तकरीबन को 5 से 6 घंटे लग जाते हैं पकाने के लिए, लेकिन क्या बताएं आपको, बहुत ही आला और बहुत ही मज़ेदार। गोजरा के अंदर इतना ज़बरदस्त नाश्ता और लोगों का रश बता रहा है कि बाकी इनकी चीज़ें बहुत अच्छी है और हमने भी ट्राई की है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। तो आप लोगों से रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ पे ज़रूर आएँ, गोजरा से हैं, गोजरा से बाहर हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, तो जहाँ के ऊपर आएँ नाश्ता इनका ट्राई करें, बहुत ही आला बुराग लाहौरी नाश्ता, बहुत ही आला बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार। गोजरा फूड स्ट्रीट टूर जो है वो जारी है, ये सेकेंड पार्ट है इसका, अभी इसका तीसरा पार्ट भी आएगा, वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा, तो इंशाल्लाह तीसरे पार्ट लेके चलेंगे।